दोस्तों फेसबुक तो हम सभी लोग अपने मोबाइल में चलाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इस फेसबुक के अंदर कई ऐसे हिडन फीचर दिए हैं जिससे अगर आप अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो ना तो आपके फ़ोन का बैटरी खत्म होगा और ना ही इंटरनेट डाटा ख़त्म होगा अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा लोग परेशान रहते हैं बार बार बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाता है बार बार एक जी जो इंटरनेट डाटा मिलता है वो ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता कहाँ गया तो ये सब दोस्तों आपके फ़ेसबुक की वजह से होता है तो आपको सिंपली करना क्या इस फेसबुक के अंदर जो जो हिडन फीचर मैं बताऊंगा उसे एक बार कर लेना है और हमेशा के लिए दोस्तों आपको बैटरी और इंटरनेट डाटा से छुटकारा मिल जाएगा यानी ना जल्दी बैटरी खत्म होगा और ना ही इंटरनेट डाटा खत्म होगा पूरा दिन आप इंटरनेट डाटा यूज़ करो पूरा दिन बैटरी को यूज़ करो दोनों ही ख़त्म होने के नाम नहीं लेंगे इस फेसबुक की सेटिंग की वजह से ठीक है तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से हिडन फीचर इस फेसबुक के अंदर दिया है और कैसे आप इसे करेंगे तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आखिर इस फेसबुक के अंदर कौन कौन से हिडन सेटिंग करने हैं जिसके बाद दोस्तों ना आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो जल्दी खत्म होगा और ना ही इंटरनेट डाटा जल्दी खत्म होगा ठीक है अब एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई एक सेटिंग भी अगर आप मिस कर जाओगे तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे ठीक है तो सभी सेटिंग इंपॉर्टेंट है तो सभी सेटिंग को सीख कर जाना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद ये जो प्रोफाइल दिया होता है आपका इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी देखने को मिलेगा तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है अब सबसे पहले नंबर का सेटिंग करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आपको चले आना है सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर आपको मीडिया करके एक सेटिंग देखने को मिलेगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग जो सेटिंग है ये ओपन हो जाता है अब सबसे पहला जो सेटिंग है वो यहाँ पर ऊपर ही दिया हुआ है जो है दोस्तों वीडियो क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी दोस्तों हम फेसबुक चलाते हैं तो ऐसे में जो वीडियो की क्वालिटी है ऑटोमेटिकली ऑप्टेमाइज होकर हाई क्वालिटी में हमें दिखाया जाता है जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनेट डाटा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है आपने देखा होगा फ़ेसबुक पर जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में चलता है जिसकी वजह से आपका जो इंटरनेट डाटा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ठीक है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर फेसबुक ने एक नया सेटिंग लाया है डाटा सेवर जिसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देते हैं तो ऐसे में चालीस तक दोस्तों आपका जो इंटरनेट डाटा है वो कम खर्च होगा यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है देख लीजिए यूज़ अप टू फोर्टी लेस डाटा यानी कि 40 परसेंट कम डाटा यूज होगा इतना मतलब समझ लो आपका बचने वाला है समझ रहे हो? जहाँ पर दोस्तों आपका एक जी खत्म होता था वहाँ पर सिर्फ छः सौ खर्च होगा चार सौ आपका बचेगा तो ये पहला सेटिंग आपको यहाँ से ऑन कर देना है जिसके बाद दोस्तों मैं आपको फेसबुक का दूसरे नंबर का सेटिंग बताने जा रहा हूँ और ये सेटिंग करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका जो इंटरनेट डाटा है और बैटरी है वो बचने वाला है ठीक है अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा जब आप फेसबुक पर ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वीडियो है वो प्ले होते रहते हैं है ना आपको प्ले करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऑटोमेटिक प्ले होता है अब यहाँ पर मैं वीडियो प्ले करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई फेसबुक की वजह से कॉपीराइट आ जाता है तो यहाँ पर दोस्तों मैं प्ले करके नहीं दिखाऊंगा आपको पता ही है जब आप फेसबुक पर ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नीचे के वीडियो हैं वो प्ले होकर आते हैं तो ऐसे में आपका जो इंटरनेट डाटा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बैकग्राउंड में बैटरी भी यूज़ होता है तो उससे बचाने के लिए आपको करना क्या है एक सेटिंग को जो है बंद करना है ठीक है तो उसके लिए आपको सेम चीज़ करना है प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है नीचे आना है सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग्स के अंदर आ जाना है यहाँ पर वापस से आपको मीडिया के अंदर चले आना है यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑटो प्ले ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल डाटा एंड वाईफाई पर ये सेट होता है यानी आप मोबाइल डाटा पर हो या फिर वाईफाई पर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले होगा ठीक है तो इसे दोस्तों आपको बंद करना है बंद करने के लिए नेवर ऑटो प्ले वीडियो जो दिया हुआ है इस पर आपको सेट कर देना है उसके बाद दोस्तों अब ऑटोमेटिकली जो फेसबुक पर वीडियो प्ले हो जाता था वो चीज़ आपके फेसबुक पर नहीं होगा जिससे दोस्तों बहुत ज्यादा आपका इंटरनेट डाटा और बोल सकते हो बैटरी वो आपका सेव होगा समझ गए तो ये दो सेटिंग यहाँ पर हमने कर लिया उसके बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है जिसके बाद दोस्तों मैं आपको फेसबुक का तीसरे नंबर का सेटिंग बता देता हूँ ठीक है तीसरे नंबर का सेटिंग करने से दोस्तों पूरी तरह से आपका जो बैटरी जल्दी खत्म हो जाता था वो चीज़ नहीं होगा आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा ये सेटिंग करने से ठीक है तो उसके लिए आप क्या करेंगे वापस से जो प्रोफाइल दिया है इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद एकदम नीचे आएंगे यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी जो दिया हुआ है इसी पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है डार्क मोड इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो डार्क मोड है ये ऑफ हो रखा है यानी कि आप देख रहे हो आपके फ़ोन का ये जो स्क्रीन है ये पूरा लाइट है यानी कि बोल सकते हो ना हर जगह आपको यहाँ पर जो लाइट लगी हुई है ये ऑन दिख रहा है जिसकी वजह से दोस्तों ज़्यादातर आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो यूज़ होता है लेकिन अगर आप यहीं पर जो डार्क मोड है इसे यहाँ से ऑन कर देते हैं तो पूरा जो स्क्रीन है ये ब्लैक हो जाता है जिससे दोस्तों बोल सकते हो ना 90 परसेंट तक का आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो बचता है यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो पूरा का पूरा फेसबुक है ये डार्क मोड में चला गया है जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इससे दोस्तों एकदम ना के बराबर बैटरी खर्च होगा आप पूरा दिन फेसबुक चलाएंगे तो भी दोस्तों बैटरी जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा समझ गए तो हमेशा दोस्तों याद रखना जब भी आप फेसबुक चला रहे हो ये जो डार्क मोड है इसे ऑन करके चलाओ जिससे बैटरी जल्दी खर्च नहीं होगा जिसके बाद दोस्तों मैं आपको फेसबुक का फोर्थ नंबर का सेटिंग बता देता हूँ तो इसके लिए आपको फेसबुक को ओपन करने की जरूरत नहीं है बस आपको फेसबुक के ऊपर इस प्रकार से लॉन्ग प्रेस करना है और ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है इस प्रकार से आपके सामने जो सेटिंग है ये खुलकर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है यहाँ पर दिया हुआ है नोटिफिकेशन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी प्रकार की नोटिफिकेशन है ये ऑन हो रखा है अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हैं तो फेसबुक के बहुत ज़्यादा जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके भरे पड़े होते हैं जिसकी वजह से जो आपका बैटरी है जो आपका इंटरनेट डाटा है वो रात भर यूज़ होता है समझ रहे हो आपको पता नहीं है लेकिन ये हंड्रेड सही बात है जब आप रात भर में इंटर रात भर मतलब इंटरनेट डाटा को ऑन करके छोड़ देते हैं तो सुबह दोस्तों बहुत ज़्यादा फेसबुक के जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है जिससे दोस्तों बहुत ज्यादा बैटरी और इंटरनेट डाटा खर्च होता है तो अगर आप दोनों को बचाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को यहाँ पर बंद कर दो वैसे नोटिफिकेशन हमारे किसी काम के होते नहीं यहाँ के है ना कोई लाइक किया कमेंट किया या फिर इधर उधर टैग किया वही नोटिफिकेशन होता है तो ऐसे में आप इसे बंद करके रख सकते हो इससे कोई नुकसान नहीं है ठीक है बैटरी और इंटरनेट डाटा ही आपका बचने वाला है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है जिसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको फिफ्थ नंबर का भी सेटिंग करना है तो फिफ्थ नंबर का सेटिंग दोस्तों आपको बैटरी के लिए करना है ठीक है बैटरी अगर आप ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो ये फिफ्थ नंबर का सेटिंग आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा तो उसे करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैटरी सेवर का इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भाई नो रिस्ट्रिक्शन पर सेट होता है यानी यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से अनलिमिटेड फेसबुक जो है आपके फ़ोन का बैटरी यूज़ करता है समझ रहे हो तो आपको इसे करना क्या है यहाँ पर कई ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको हमेशा इसे बैटरी सेवर पर सेट करके रखना है जिससे दोस्तों आपका ज़्यादातर जो बैटरी है वो सेव हो सके समझ रहे हो यानी कि लिमिट में ही दोस्तों फेसबुक आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो यूज़ कर पाएगा तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई कर लेना है ये पांच सेटिंग अगर आप फेसबुक का कर लेते हैं तो ना कि बराबर दोस्तों आपका बैटरी और इंटरनेट डाटा खर्च होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू दोस्तों बाय बाइन टेक केयर